दिस इज सिबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ट्रेनर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय शेयर मार्केट में अभी 10% की गिरावट आई है तो कहां पे निवेश करें? अगर आने वाले समय में अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो कहां पे निवेश करके बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं, आज के एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। देखिए 2008 में जो भारतीय शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी उसका रीजन था अमेरिकन मार्केट में आई हुई मंदी। क्या कोई ऐसा इंसान था जिस इंसान ने इस मंदी को पहले पहचान लिया था? उस इंसान का नाम है रे डेलियो, जो ब्रिजवाटर एसोसिएट ए सबसे बड़े हेज फंड के फाउंडर है। उस इंसान ने अभी आने वाले समय के लिए कहां पे निवेश की सलाह दी है, क्या जानना चाहेंगे? सर 2010 की बात करें तो 2010 में अक्टूबर नवंबर के आसपास जब निफ्टी का P25 के आगे निकल गया था, मार्केट का वैल्यूएशन महंगा हो गया था, तो 2011 में मार्केट में गिरावट आई, लेकिन एक एसेट क्लास में बहुत बड़ी तेजी आई। उस एसेट क्लास का नाम हम सब जानते हैं, सोना और चांदी। 2011 में महाराष्ट्र के फेमस डेली पुढ़ारी में मराठी में हमने एक आर्टिकल लिखा था, वैसे ही जी 24 तास इस टीवी चैनल पे आके कहा था अभी शेयर मार्केट में मंदी है लेकिन सोने और चांदी में अगर आप निवेश करते हैं तो बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। क्या ऐसा ही अभी होने वाला है? क्या रे डेलियो के मुताबिक भी अभी सोने में निवेश करना एक बेहतरीन रणनीति साबित होगा? रे डेलियो के मुताबिक जैसे रे डेलियो ने कहा है वैसे ही स्टैनली ड्रंकन मिलर और पॉल सिंगर, ये दुनिया के जो सबसे बेहतरीन हेज फंड मैनेजर्स हैं, वो भी अभी गोल्ड में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। अगर रे डेलियो की बात करें तो वो तो कह रहे हैं अगर आप आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं रख रहे हैं तो ना तो आप हिस्ट्री जानते हैं ना तो इकोनॉमी जानते हैं। आज तक का शेयर मार्केट का इतिहास देखें तो जब जब भारतीय शेयर मार्केट ने हायर वैल्यूएशन से गिरावट दर्ज की है अगर उस वक्त गोल्ड ने तेजी के संकेत दिए तो गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए। देखिए चार्ट के मुताबिक पिछले 5 से लेकर 6 साल तक 35,074 से लेकर 24,451 इस लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद गोल्ड इस रेंज से बाहर निकल चुका है। जब तक गोल्ड 31,000 के ऊपर है आने वाले समय में गोल्ड में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, तो आपके पोर्टफोलियो में आप गोल्ड को शामिल कर सकते हैं। देखिए बीइंग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ट्रेनर में डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड है ही, वैसे ही हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो एडवाइजरी इस प्रोडक्ट के जितने सारे क्लाइंट्स हैं उनको हमने पहले ही गोल्ड में निवेश करने की सलाह दे दी थी। अगर आप ये पर्सनल पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विस लेना चाहते हैं, 5 साल के लिए आपका बढ़िया पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए। और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो आप जानते हैं हमने हमारा एप्लीकेशन लॉन्च किया आर्यामनी, उसमें 2 पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, गेटवे टू वेल्थ और स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस टॉपिक के ऊपर चार्ट के साथ एनालिसिस के साथ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसको जरूर देखिए। दुनिया के काफी सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, फिर चाइना हो या रशिया हो, उसके साथ हेज फंड के काफी सारे फेमस हेज फंड मैनेजर्स गोल्ड में पोजीशन बना रहे हैं। और चार्ट की बात करें तो यहां पे गोल्ड में तेजी के संकेत बन रहे हैं, मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है, तो इस आए हुए गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, रिस्क को एनालाइज करके आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड को शामिल कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।